ब्रह्मताल ट्रैक करने के लिए मेरा सफर शुरू होता है दिल्ली से। दिल्ली से मुझे जाना पड़ता है देहरादून, जो कि 240 किलोमीटर लंबा सफर है। इसके लिए मैं बुक कर लेता हूँ जिंक बस, जो कि दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 5 से मुझे मिलने वाली है, जिसके लिए मैं लगभग रात को 10:30 बजे पहुँच भी जाता हूँ। और यहाँ पर कुछ देर इंतजार करने के बाद मेरी बस आ जाती है, जो कि मुझे ऋषिकेश या फिर देहरादून दोनों ही जगह छोड़ सकती है। मैं फैसला करता हूँ कि मैं देहरादून ही पहुँचूंगा। देहरादून पहुँचने के बाद वहाँ से मुझे डायरेक्ट मेरी टैक्सी मिल जाएगी। हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चाहें तो ऋषिकेश ही आ सकते हैं। मेरा रीजन था क्योंकि देहरादून से मेरी टैक्सी बनकर चल रही थी, तो इसलिए मैं देहरादून ही उतर गया। देहरादून पहुंचने के बाद मैं फ्रेश हो जाता हूं, क्योंकि आज का सफर मेरा बहुत लंबा होने वाला है। देहरादून से ऋषिकेश होते हुए हमें जाना है वाया कर्णप्रयाग लोहाजुंग, जो कि लगभग 295 किलोमीटर लंबा सफर होगा, जिसमें कि 10 से 11 घंटे का आपको पूरा ये ट्रैवल करना है, जो कि काफी ज्यादा थका देने वाला है। मैं हूँ देहरादून बस स्टैंड पे ISBT पे, और यहाँ से मैं जाऊँगा लोहाजुंग। मैं ट्रैक करने वाला हूँ ब्रह्मताल ट्रैक, जो कि काफ़ी सुंदर ट्रैक है, और उसके लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा देहरादून से लोहाजुंग, जो कि है लगभग 295 किलोमीटर्स दूर। मान के चलिए लगभग 11 घंटे का ये रास्ता होगा। देहरादून से सुबह लगभग 7 बजे हमारी टैक्सी हमें पिकअप कर लेती है, जो कि लोहाजुंग लेकर जाती है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि आपको कोई भी डायरेक्ट साधन देहरादून या ऋषिकेश से लोहाजुंग के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये आपका काफी गलत विचार हो सकता है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से किसी भी तरीके से आप डायरेक्ट तो नहीं जा सकते हैं। इसलिए आप जिस भी कंपनी के थ्रू अपना ट्रैक बुक कर रहे हैं, मेक श्योर करें कि आपको वो ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे कि आप कोई भी दिक्कत में ना फंसें और आपका समय भी खराब ना हो। जितना खूबसूरत ये सफर है, उतना ही लंबा रास्ता भी था, और रास्ता कटते कटते मानो कब शाम हो गई हमें भी नहीं पता लगा। यही रास्ता था जिससे मैं केदारनाथ और बद्रीनाथ जा चुका हूँ, तो वो यादें भी मेरी ताज़ा हो गई थी। वहीं शाम होते होते हम लोहाजुंग भी पहुँच गए थे। वहाँ पहुँचने के बाद आखिरकार हम उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर हमारा लोहाजुंग में बेस कैंप था। यहाँ पर रफ्तार एडवेंचर का होम स्टे बना हुआ है, जहाँ पर जैसे हम पहुँचते हैं तो हमारा वेलकम होता है, और उसके बाद हमें यहाँ पर एक टी मिल जाती है। कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर रूम बना हुआ है, जहाँ पर हमें स्टे करने की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो अगर आप भी ब्रह्मताल ट्रैक करना चाहते हैं या फिर ट्रैक से रिलेटेड कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप ज़रूर रफ्तार एडवेंचर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन पे और स्क्रीन पे ही मिल जाएगी। वहीं पूरे दिन का थका देने वाला सफ़र करने के बाद आखिरकार रात में हमें हमारा डिनर मिलता है, जहाँ पर मुलाकात होती है कुछ नए दोस्तों के साथ में, जिनके साथ में पहले किन्नौर कैलाश यात्रा भी कर चुका था। तो यहाँ पर सभी से मिलकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और डिनर करने के बाद आखिरकार अगले दिन की सुबह हो जाती है, जहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब हम अपना ट्रैक शुरू करें। आज के दिन का ट्रैक लगभग 6 किलोमीटर लंबा होगा, जहां पर हम लोहाजुंग से जाने वाले हैं बिकलताल के लिए। ये ट्रैक काफ़ी ज़्यादा तो चढ़ाई वाला नहीं होगा, जिसमें कि लगभग हमें 3 से 4 घंटे या 5 घंटे तक ही लगने वाले हैं। यहाँ आ चुका है भाई हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में है पराठा और ये सब्जी, साथ में चाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल गाइस। बेस कैंप लोहाजुंग, इसकी हाइट आपको ऑलमोस्ट 6,000-7,600 फीट है, बट ये थोड़ा लोहाजुंग से नीचे, ये अल्टीट्यूड जो है लोहाजुंग का है, तो ये थोड़ा डाउन होगा, तो 6,000-6,500 फीट के आसपास का अल्टीट्यूड होगा, ठीक है। और ये यहाँ का जो कम से कम 7-8 गाँव है, उसका एक लोकल मार्केट है लोहाजुंग, जो मेन मार्केट। और यहाँ से अगर आप आगे जाते हैं तो यहाँ से 2 गांव और पड़ते हैं, उसके बाद कोई भी गांव नहीं पड़ता। लास्ट गांव आपको वान पड़ेगा, वान के बाद भी कोई गांव नहीं। ये भी आप कह सकते हैं कि इंडिया का लास्ट प्लेस है वान गांव। हाँ, तो यहाँ से आगे भी ना इसके आगे कोई ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ भी रोड यहाँ पर इंड है, यहाँ से आगे कोई भी रोड नहीं है। उसके बाद इसके अगल बगल इधर उधर गाँव, ठीक है, ये भी बात यहाँ की। बाकी रही ट्रैक की बात, ट्रैक की बात कहें तो ब्रह्मताल ट्रैक इजी टू मॉडरेट में आता है, जिसका एक ग्रेडेंट है, ग्रेट है, ये इजी टू मॉडरेट है। और इसका एल्टीट्यूड अगर मैक्सिमम एल्टीट्यूड देखा जाए तो 12,500 फीट के आसपास इसका मैक्सिमम एल्टीट्यूड है। और आपका मैक्सिमम एल्टीट्यूड जहाँ मतलब स्टे करेंगे उस वो रहेगा कम से कम 11,000 फीट के आसपास, 10,500-11,000 फीट के आसपास रहेगा। जो समिट के लिए जाएंगे तो फिर एल्टीट्यूड बढ़ेगा, तो 12,000 फीट के आसपास, 12,500 फीट के आसपास रहेगा। और टोटल ट्रैक का अगर डिस्टेंस देखा जाए तो कम से कम 25 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस है, जहाँ से आप स्टार्ट करते हो और जहाँ पर आप इंड करते हो, यहीं पर इंड करते हो, तो एक 25 किलोमीटर का एक पूरा सर्कल के बनता है, 25 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है। और पूरे ट्रैक की अगर बात की जाए पर डे का चलने का, तो कम से कम 6 किलोमीटर का फर्स्ट डे का डिस्टेंस होगा आपका लोहाजुंग टू बिकलताल,
और इसके बीच में आपको अगर वाटर सोर्स की बात की जाए तो वाटर सोर्स आपको कम से कम 3 किलोमीटर के बाद मिलेगा, 3 या 3.5 किलोमीटर के बाद वाटर सोर्स मिलेगा। और ऑन द वे आपको ढाबे भी मिलेंगे, मतलब 2-3 किलोमीटर के बाद ढाबे ऐसे मिलते रहेंगे। और ट्रैक का ग्रेडियंट देखा जाए तो एटलीस्ट असेंड ही ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि पहाड़ आए तो पहाड़ में एटलीस्ट असेंड ही रहता है, तो आप टोटली असेंड मिलेगा कम से कम 6 किलोमीटर के आसपास का असेंड रहेगा। और वाटर सोर्स आपको कम से कम 3-4 किलोमीटर के बाद वाटर सोर्स मिलेगा, नेचुरल वाटर सोर्स, ठीक है। और अगले दिन फिर आपका भेकल ताल टू ब्रह्मताल होगा, वो थोड़ा लंबा डिस्टेंस है, भले उसमें क्या है कि आपका असेंड कम मिलेगा बट डिस्टेंस क्या है थोड़ा लॉन्ग, ये 6 है तो कम से कम 7.5-8 किलोमीटर के आसपास का है। और भेकल ताल से एक तेलांदी टॉप आता है, एक तेलांदी टॉप पहुँचने के लिए कम से कम 2 किलोमीटर का जो आपको टोटली असेंड मिलेगा, स्टीप असेंड है, मतलब तगड़ा असेंड है, 2 किलोमीटर का असेंड मिलेगा। फिर उसके बाद हल्का हल्का असेंड मिलेगा, और उसके बाद झंडी तेलांदी पहुंचने के बाद हल्का असेंड, उसके बाद स्टेट मिल के आप झंडी टॉप पहुँचो। झंडी टॉप पहुँचोगे उसके बाद आपका मैक्सिमम हाइट गेन हो जाएगा, उसके बाद फिर आप डिसेंड 11,000 के आसपास का आपका झंडी टॉप का वो रहेगा, एल्टीट्यूड रहेगा। उसके बाद फिर वहाँ से आपको कम से कम 3-3.5 किलोमीटर का डिसेंड करना है, जो आप ब्रह्मताल कैंप पर पहुँचोगे। समिट आपका कम से कम 3 किलोमीटर का, 2-3 किलोमीटर, वो टोटली असेंड है। फिर सबमिट करने के बाद डायरेक्ट लोहाजंग भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, और जो भी ट्रैक करने के लिए जा रहे हैं, जैसे कि अभी हम ब्रह्मताल ट्रैक करने के लिए जा रहे हैं, तो उसका पूरा इस तरीके से फॉर्म रहता है। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, आज हम हैं लोहाजंग विलेज में, और काफ़ी बढ़िया सा व्यू है, और धूप बहुत ज़्यादा खिल चुकी है। यहाँ पर बहुत सारे ट्रैकर्स हैं जो कि ट्रैक को करने के लिए जा रहे हैं, तो सब भाई लोग यहाँ पे हैं, तो सभी जा रहे हैं ब्रह्मताल ट्रैक करने के लिए, मैं भी जा रहा हूँ, और रफ्तार एडवेंचर के साथ ही हम ट्रैक पूरा करेंगे अपना। एंड अभी वेदर बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब देख रहे हो आप सूरज आ चुका ऊपर। सो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं अपना ट्रैक शुरू करने के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हम अपने लोहाजंग के बेस कैंप से निकल चुके हैं, ये हमारा यहाँ पे प्यारा सा बेस कैंप था, और यहाँ पर ट्रैक शुरू हो चुका है। आंटी जी की उम्र 74 है, और आंटी देखो भागी भागी जा रही है। मैं तो 30 किलो गोभी बो के ले जाती हूँ। अच्छा, 30 किलो भी वजन ले जाते हो? हाँ। अरे बाप रे, आंटी जी से हमें प्रेरणा लेनी पड़ेगी। सब्जी उगाते ना? अच्छा, सब्जी उगाते हैं। हाँ। तो आप यही रहते हैं? हाँ, यहाँ पे नीचे लोहाजंग में। नीचे डोन में। अच्छा, अभी बाजार जा रही है। अच्छा, बाजार जा रहे हैं। हाँ। तो बाजार कितना दूर है यहाँ से? लोहाजंग। लोहाजंग। हाँ। ओके, तो रात को जहाँ पर हमें कैब ने छोड़ा था वो ये जगह है। यहाँ पर लिखा है रफ्तार एडवेंचर होम स्टे, एंड नीचे हमारा होम स्टे बना हुआ है। तो फिलहाल अब हम उसी सड़क पे वापस आ गए। जो पीछे भाई लोग आ रहे हैं इनके गाइड अलग हैं, क्योंकि ये अभी जानते नहीं कि अभी कितना ट्रैक ये कंप्लीट करेंगे, और हमारे गाइड से भी मैं मिलवा देता हूँ, उनका इंट्रोडक्शन भी ज़रूरी है। कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया। आपने नाम बता दीजिए एक बार, इंट्रोड्यूस। डायमंड लानू। ओके, एंड सर कितना एक्सपीरियंस है वैसे आपको? हमें 5-6 साल से, 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है। एंड मेरे जो यहाँ पर को ट्रैकर हैं, हाय सर। हाय एवरीवन। आपका नाम? नीलेश। नीलेश, एंड सर कहाँ से हैं? वाराणसी। वाराणसी से है, तो मज़ा आने वाला है, बिल्कुल आएगा ट्रैक करने के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपका नाम क्या है आंटी जी? मेरा नाम है श्रीमती पुष्पा देवी जी। सब्जी उगाती हूँ आंटी, इसलिए फेमस है यहाँ पे गांव में, क्योंकि आंटी जी यहाँ पे सब्जियाँ उगाती है ऑर्गेनिक तरीके से, इसलिए आंटी फेमस है। और कितने आपकी सब्जी खरीदते कितने लोग आंटी जी? पूरे देवाल बाजार में, बाजार संग लोहाजंग में यात्रियों को ब्रोकली खिलाती हूँ। अरे क्या बात है भाई, ब्रोकली जानते हैं? हाँ, ब्रोकली बिल्कुल, जो गोभी जैसे रहती है ना, ब्रोकली जी जी। फूल गोभी, सदा मास की सब्जी, अन्य सब्जी, खीरा, काकड़ी। और इतनी हाइट पे सब्जियाँ उगा पाना कोई मजाक बात नहीं है भाई। बड़ा अच्छा लगा आंटी आपसे मिलकर। इस महीने के बाद मंत्री के साथ मेरे सम्मान होगा। अच्छा, क्या बात है, मंत्री आएगा ना देवाल में? जी जी जी, मुझे सूचना दे रखे।
bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. तो फिलहाल अभी हम उस रास्ते से आए हैं और पहुंच चुके हैं लोहा जुंग के सेंटर पे या चौक पे कह सकते हैं। और काफ़ी प्यारी सी यहाँ पे छोटी सी मार्केट बनी हुई है जहाँ पे आप जो बेसिक चीज़ें हैं वो ले सकते हैं। तो आज का जो हमारा डे वन का जो स्टे रहेगा वो होगा बेकल ताल में, जो कि अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 किलोमीटर लंबा ट्रैक है आज का हमारा। एंड अभी तक ट्रैक की अगर बात करी जाए तो बहुत ऐसा स्टीप नहीं है, नॉर्मल जा रहा है। क्या कहना आपका भाई इस बारे में? अभी तक का एवरेज रहा है, असेंड ही रहा है, लेकिन वैसा स्टीप नहीं रहा है, बहुत नॉर्मल बता रहे। आगे मिलने वाला वैसा, आगे होपफुली मिलेगा। तो अभी तक का बढ़िया था, बहुत अच्छे व्यूज है, बहुत अच्छा सीनरी है और हवा बहुत अच्छी चल रही है, हवा ठंडी, साथ धूप भी है तो किसी चीज की दिक्कत नहीं हो रही है। बिल्कुल, तो उम्मीद है इस 6 किलोमीटर को कवर करने में, देखो हम बहुत स्लो भी चल रहे हैं या मीडियम कह सकते हैं वीडियो शूट करते करते, तो हार्डली हमें 3-3.5 घंटे लगेंगे, बहुत आराम से चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो अभी जो लोहा जुंग है वहाँ से लगभग हम 3 किलोमीटर आ चुके हैं और सामने का व्यू काफ़ी देखिए प्यारा है, यहाँ से देखिए आप स्नो भी देख पा रहे होंगे। एंड हम पहुँचे हैं इस स्टॉल पे, छोटे से खाने वाली जगह पे, जहाँ में हमारी आंटी जी। आंटी जी कैसे हैं आप? सभी को हाय बोल दीजिए। हाय आंटी जी, देखो हाँ क्या है आंटी जी? ये पत्ती है। अच्छा, उसको खिलाने के लिए, भेड़ बकरी को खिलाने के लिए, भेड़ बकरी के लिए, चारे के लिए ना, चारे के लिए। तो आप डेली ले जाते हैं? हाँ डेली ले जाते हैं। एंड यहाँ पर देखिए छोटे छोटे स्टॉल्स आ जाते हैं बीच बीच में, टपरी कह लीजिए, एंड यहाँ पे चाय पानी एंड मैगी इस तरीके की चीजें मिल जाती है। आंटी जी कैसे हैं आप? अरे क्या बात है, अच्छा ब्रास का जूस है ना, ब्रास का, ओके हाँ ब्रास का बड़ा फेमस है यहाँ पे, बड़ा वाला वो भी बेच लेते हैं। आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, ठंडा पानी है, स्वस्थ पानी है, आरो की भी जरूरत नहीं है। प्लीज प्लीज नबास नबास गुगुती नबास, ये पापी मुलुक नबासी नबास गुगुती नबास, ये पापी मुलुक मेरे में तू बासली, मेरे में तू बासली, मेरी माँ जी सुनेली गुगुती ना बासा
झपनाली डालो माँ गुगुती ना बास। धन्यवाद। अरे अरे क्या गाना गाया इन्होंने भाई, मजा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे आंटी जी के साथ इतनी बढ़िया बढ़िया वार्तालाप करने के बाद, गाने भजन सुनने के बाद में अब हम ब्रास का जूस पी रहे हैं आंटी जी से। ब्रास दरअसल एक तरीके का फूल होता है, तो ये आंटी जी ने हमें दे दिया ब्रास का जूस। ये खाई इसको, ये सब बनाते हैं, ये सब चिपके अच्छा सेमू द्वारा बनाते हैं हम। मैं रिकमेंड करूंगा कि ब्रास का जूस पी के देखिए, बहुत टेस्टी होता है। जो भी आए आंटी जी की दुकान से, पहली दुकान आएगी इस ट्रैक पे, ब्रास का जूस पीजिए, बहुत एनर्जेटिक है, किसी भी कोल्ड ड्रिंक से बहुत बहुत लागू ना अच्छा। बहुत देखिए, बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि बहुत अच्छे लोग से हमारा इंटरेक्शन हो पाता है, ये उन्हीं में से एक थे। सच में भाई, इतने बूढ़े होने के बावजूद भी इतनी एनर्जी शरीर में है, हमारे शहर के लोगों में नहीं है। इतना रिगार्ड, इतना ग्रीट करना, बहुत प्यार से। अब शहर में ऐसे लोग मतलब है ही नहीं, बचे ही नहीं बचे। हर किसी का एक अपना फायदा है, साफ दिल के। हाँ, इतना प्यार, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे अभी देखिए, हमें थोड़ी बहुत स्नो मिलनी शुरू हो गई है, जिससे कि क्लियर है कि आगे हमें और बढ़िया बढ़िया स्नो मिलने वाली है। ब्रह्मताल ट्रैक विंटर ट्रैक के नाम से जाना जाता है, जैसे कि साकरी में स्थित केदारकंठा ट्रैक है कुछ उसी तरीके से। हालांकि ये ट्रैक काफी कम लोगों के बीच में चर्चित है या फिर फेमस है। ये ट्रैक आमतौर पर नवंबर से लेकर मार्च महीने तक के बीच में ही चलता है, और जिसमें आपको काफ़ी हैवी स्नोफॉल देखने के लिए मिलती है। हालांकि अगर हम इस बार की बात करें 2022 एंडिंग या 2023 स्टार्टिंग की, तो काफ़ी कम ऐसे ट्रैक्स हैं जहां पर हैवी स्नोफॉल देखने को मिली। अन्यथा बाकी सभी जितने भी ट्रैक्स थे, चाहे मैं केदारकंठा ट्रैक की बात करूं, हर की दू ट्रैक की बात करूं, तुंगना चंद्रशिला ट्रैक की बात करें, या फिर आप ब्रह्मताल ट्रैक की ही बात करें, हर जगह आपको काफ़ी कम स्नो देखने के लिए मिल रही है, जिसकी वजह से ट्रैकर की संख्या इस बार थोड़ी कम आपको देखने के लिए मिलती है। वाला पैच हमारा ख़त्म हो चुका है, हम पहुँचे हैं भैया की एक शॉप पे, जो कि बनी खुबदना पे। कैसे भैया? बढ़िया। हमारे गाइड वहाँ पे है। और ये पूरा सा व्यू है, मतलब लोअर बेकरताल आप इसे बोल सकते हैं, और बहुत प्यारा सा व्यू है यहाँ पे। हालांकि जो भी हमारा कैंप है थोड़ा सा आगे है, तो चलते हैं आगे इस व्यू को एंजॉय करते हुए। तो फिलहाल थोड़ा सा ताल से अगर हम ऊपर आते हैं ना, यहाँ पर हमारा कैंप बना हुआ है, और व्यू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी स्नो है, एंड हम एकदम टाइम के अकॉर्डिंग ही पहुँचे हैं, वीडियो बनाते बनाते ही पहुँचे हैं, तब भी हमें 3 बजे हैं, अदरवाइज़ हम 1 से 1.5 बजे तक या उससे भी पहले आ जाते हैं। Thank you.
तो ये हमारी देखिए किचन है, यहाँ पे पूरा प्रॉपर खाना बनता है। भैया लोगों से मिलवाता हूँ। भैया कैसे हैं आप? बस बढ़िया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम बीरेंद्र सिंह दाना। बीरेंद्र सिंह जी, हाँ। तो यहाँ पे आप शेफ हैं? हाँ। खाना वगैरह बनाते हैं पूरा प्रॉपर, तो यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते। 4-5 महीने यहीं रहते हैं? हाँ। पूरा जब तक ट्रैक वगैरह चलता है। तो अभी समय है हमारा भोजन करने का, तो अभी हमारे पास मेन्यू, ओके थैंक यू, मेन्यू में देखिए हमारे पास क्या क्या है, मैं दिखा देता हूँ। ये बने हैं राजमा, ठीक है, चावल आ जाते हैं, सैलेड आ जाता है। यहाँ पर हमारे सर बना रहे हैं खाना। टेम्परेचर अभी तो 0 डिग्री के और भी कमी है। तो ये आ गई हमारी मिक्स वेज, यहाँ पर आ चुकी दाल, रोटी, पापड़। कैसा बना है सर खाना? बहुत टेस्टी, बढ़िया। ये दिन हमारा कब शुरू हुआ और कब खत्म हमें भी एहसास नहीं हुआ। हालांकि पूरे दिन की अगर बात करी जाए, नए नए लोगों से मिलना, उनसे बातें करना अपने आप में ही काफी अलग अनुभव देता है। अब इंतजार है तो अगले दिन की सुबह का, अगले दिन का। मिलते हैं अगली वीडियो में नए एपिसोड के साथ।